ये खड़ी है अपनी पुरानी हिमालयन यानी अपनी बगीरा, एंड ये खड़ी है जी अपनी नई हिमालयन 452। तो आज मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। भाई ये टैंक बहुत ज्यादा ह्यूज है भाई। ओ भाई पावर तो है भाई, मतलब एक्सीलेटर छोड़ते साथ ही ना बाइक जो है भागने की कोशिश कर रही है सीधा आगे। ये देखो एंकर, तो एक छोटी सी ड्रैग रेस करेंगे। 1 2 3 पर इसका हॉर्न बड़ा बेकार है। पर तो जी स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। बाकी हम आ चुके हैं अपनी विंटर हर्शल की राइड कंप्लीट करके अपनी सिटी देहरादून में। बाकी यार क्या ही ट्रिप रही है हमारी। अगर आप लोगों ने से मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को पता होगा कि हम गए थे उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत वैली जिसका नाम है हर्शल, और वो भी स्नो में। और कसम से ना यार, मैंने तो भाई जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा स्नो देखी, तो वो ट्रिप बहुत ज्यादा बढ़िया थी। और अगर आप लोगों ने वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी यहाँ भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके देख लेना लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए फिलहाल आज के दिन की बात करते हैं। तो आज है सैटरडे, सैटरडे यानी अपन की छुट्टी है। तो बहुत टाइम से ना देहरादून सिटी में जो है राइड करने नहीं गए हम लोग, तो छोटी सी राइड प्लान करी हुई है। बाकी ना थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ एक्चुअली, हेलमेट पे देखो मैंने गोप्रो लगा दिया है, बस अब तैयार होना बाकी है। तो जल्दी से तैयार होते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो सीधा आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। तो जी हम हो चुके हैं रेडी, बाकी बाइक भी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी है। और कसम से यार बाइक क्या लगती है ना भाई, कुछ भी कह लो, मतलब मुझे तो भाई पर्सनली ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। पूरी ऑल ब्लैक, एलॉयज ब्लैक, सब कुछ ब्लैक। एंड आजकल ना मैंने बाइक में थोड़ी मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने अभी लेटेस्ट जो है वो ये लगाया, इसको बोलते हैं सैडल स्टे, और इसके ऊपर आते हैं अपने सैडल बैग्स, वो भी मैं लेने का बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ। और ये मॉडिफिकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया राइड पे। खैर उस राइड के बारे में आप लोग को बताता हूँ मैं। अभी फिलहाल ना लेट हो गए, 8:04 हो गए। 8 बजे का प्लान था कि हम लोग को मीटिंग पॉइंट पे मिलना है, और 8 बजे घर में ही बज गए, तो चलिए फिर चलते हैं घर से। ओले भैया, मैंने आप लोग को बताया या नहीं बताया लेकिन आसमान देखो भाई, क्या काले काले बादल हो रहे हैं। एंड कसम से यार मुझे तो समझ में नहीं आता, पूरे वर्किंग डेज में ना धूप निकली होती है और वीकेंड में आके ना बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश हम भी बहुत ढीठ है, चाहे बारिश आए आंधी आए तूफान आए, अगर राइड का प्लान है तो वो कैंसिल नहीं होगा। और यार ये देखो ना यार, बिना ग्लव्स के ना मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है। ये दोस्त लोग ना ग्लव्स लेके चले जाते हैं और वापस नहीं करते। देखो अरे शुभम भाई ग्लव्स वापस कर दो भाई, कब दोगे यार। दोस्तों देखो मेरे बोलने से दे नहीं रहे, आप लोग कमेंट करके बोलो शुभम भाई ग्लव्स लौटा दो। मजाक कर रहा हूँ वैसे, तो मुझे भी याद नहीं रहता, उनको भी याद नहीं रहता, बाकी जब मैं बाइक पे बैठता हूँ तब ध्यान आता है यार अभी ग्लव्स ही नहीं है यार। लेकिन चलो कोई बात ही, ले लेंगे। बाकी चलिए आज ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दगड़ियो स्वागत आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ड्राइवर ब्लॉग में। भाई साहब ठंडा हो रहा है भाई ठंडा। आज वैसे बता दूं आप लोग को, मार्च है एंड ना देहरादून में गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से बादल हो गए, बारिश भी हो गई सुबह, तो मौसम एकदम प्लेजेंट हो चुका है। यही तो बढ़िया बात है अपने देहरादून की भाई, है ना, थोड़ी सी गर्मी होती है एंड बारिश होके फिर ठंडा हो जाता है। बाकी फिलहाल चलिए आप लोग को आज का प्लान बताते हैं। तो आज हम निकल रहे हैं एक छोटी सी गेड़ी मारने के लिए। तो रौनक आ रहा है जो कि मेरे साथ हर्षिल गया था, एंड एक और भाई आ रहा है, एंड उन भाई के पास है नई हिमालयन। जी हाँ उनके पास है हिमालयन 450। अब 450 कहते हैं कि 450 तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ नई वाली हिमालयन है। एंड मैंने सच बताऊं तो मैंने देखी जरूर है, लेकिन हाँ कभी पास से नहीं देखी है, तो आज इस बाइक को शायद एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलेगा। तो ठीक है फिर चलिए चलते हैं। बाकी भाई मौसम देखो ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश ना आ जाए, अगर बारिश आ गई ना यार तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। बाकी फिलहाल चलते हैं अभी अपने मीटिंग पॉइंट जो कि है महाराणा प्रताप चौक रायपुर। ये लो जी हम पहुंच गए हैं अपने मीटिंग पॉइंट में, और मुझे यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये लौंडे मुझसे सीख गए भाई, पहले ये सब लोग ना मुझसे जल्दी आ जाते थे, और अब इन लोग को चल चुका है पता है कि भाई ये खुद ही लेट आता है, तो ये ही लोग लेट आते हैं। देखो अभी कोई भी नहीं आ रहा है, मैं अकेले पहुंच चुका है। बाकी ठीक है चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो भाई मैं ना उस महाराणा प्रताप चौक से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा रश हो रहा था तो मजा नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ अभी थाना वाली सड़क में। बाकी आप एक बार जरा यहाँ का व्यू चेक करो भाई, यहाँ पे अपनी बाइक लग रखी है, एंड एक बार ये देखो भाई पेड़ देखो ना कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब है तो वैसे एक गंजे पेड़ लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और सड़क भी गीली हो रही है ना तो बहुत बढ़िया लग रही है एकदम ब्लैक। और इस तरफ दिख रहे हैं अपने पहाड़, तो मौसम अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि वो देखो भाई अपने सूरज देवता जो है वो दिखाई देने लग गए, तो बोले तो एकदम परफेक्ट वेदर है बाइक राइड करने के लिए। बाकी ठीक है अभी वेट करते हैं अपने साथ वालों का। ये आगे भाई लेट डरती है लोग,
अच्छी चीजें मत सीखना, मुझसे बुरी चीजें सीखना हमेशा। है भाई कैसे हो? बाइक तो तुम्हारी चमक रही है। चलो भाई बाकी तो लौंडे सब आ चुके हैं एंड नई हिमालयन भी आ चुकी है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, मेरे बगल से जाएगी अभी। बाकी ये रही अपनी नई हिमालयन जो कि काफी बढ़िया दिखाई पड़ रही है, तो अभी मिलाएंगे भाई से। वैसे भाई का नाम सतीश है। अरे बाप रे भाई, ये कौन सा आर्किटेक्चर कर रखा भाई इधर, क्या सुंदर लग रहा है भाई, पेड़ काट रखे इतने बढ़िया बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कोई मतलब अलग सी जगह लग रही है, देख रहे हो परफेक्टली पेड़ काट रखे एकदम बराबर बराबर और काले काले पेड़ एकदम। बाकी भाई मौसम चेक करो यार, मौसम चेक करो। तो जी फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके थे अपनी लोकेशन पे जो कि है द्वारा टॉप। तो ऐसी कुछ ये जगह दिखती है, एक पहाड़ के टॉप पे एकदम ग्राउंड है। बाकी इधर खड़ी है अपना मेन टॉपिक, ये खड़ी है अपनी पुरानी हिमालयन यानी अपनी बगीरा एंड ये खड़ी है जी अपनी नई हिमालयन 452। तो आज मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। वैसे तो देखो मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं बाइक्स के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है, वो शेयर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा भी मन है अपग्रेड करने का। तो देखते हैं अगर सही लगेगा तो कोशिश करेंगे कि हम भी आने वाले टाइम में ले लें इसको। बाकी ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इन दोनों के प्राइस के बारे में। जो मेरी वाली हिमालयन है ये इसका टॉप वर्जन है ब्लैक कलर, ग्रेनाइट ब्लैक, विच वॉज अराउंड 2.74 लैक्स। एंड ये जो अपनी हिमालयन है ये नई वाली है, ये है 3.4 ऑन रोड, ठीक है। और ये टॉप वेरिएंट नहीं है, इसका ब्लैक वेरिएंट आता है वो 3.6 है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो भाई पैसों का ही है, एंड पैसों का डिफरेंस है लेकिन फीचर्स में भी डिफरेंस है, और उसी के लिए उसी की वजह से ना ये बाइक थोड़ी महंगी है। खैर उसमें ही बात करेंगे अभी, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में। तो ये देखो भाई अपनी हिमालयन जो है पुरानी वाली, उसके लुक्स कुछ ऐसे हैं। टैंक जो है वो थोड़ा स्लिम सा है, मतलब बाइक ह्यूज होने के बाद भी ना थोड़ी स्लिम स्लिम सी फील होती है। बाकी ये जो नई वाली हिमालयन है अगर इसके लुक्स के बारे में बात करें तो ये थोड़ी सी नया लुक देती है, मतलब नए जमाने वाला लुक देती है, स्टाइलिश बोल सकते हैं। लेकिन भाई अपने को तो ओल्ड स्कूल ही पसंद है, मुझे उससे बताऊंगा तो उसके लुक्स ज्यादा बेटर लगते हैं इससे। तो प्राइस के बारे में बात तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन उस प्राइस में ना काफी सारे फीचर्स आते हैं इसमें जो कि मेरी पुरानी वाली हिमालयन में नहीं थे। जैसे कि इसमें मिलते हैं आपको USD फोक्स और फ्रंट शॉकर्स, बाकी मेरे उसमें टेलीस्कोपिक है। इसकी टैंक जो है वो 15 लीटर की है, 17 लीटर की है, तो काफी सारे फीचर्स जो है इसमें अपग्रेड है। पावर ज्यादा है, मेरी वाली में पावर कम है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस बाइक का हाईलाइट है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये देखो भाई अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसमें आप लोग को मिल जाती है एक राउंड LCD डिस्प्ले जो कि पूरी की पूरी डिजिटल है, इसमें मतलब कुछ भी एनालॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये देख सकते हो आप भाई, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। एंड इसमें एक और फीचर है, इसमें ना मैप भी दिख जाते हैं, मतलब कि आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो इसमें एंड आपका मैप जो है वो स्क्रीन में दिख जाता है। वहीं अगर मैं दिखाऊं आपको अपनी पुरानी वाली हिमालयन पे ना तो वो दिखता है कुछ ऐसा। वैसे ये भी अच्छा लगता है लेकिन हाँ वो थोड़ा मॉडर्न है, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का है, तो क्योंकि ये बाइक ही थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की है तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है जो कि काफ़ी बड़ा है, इसमें जो इंजन है वो 452 cc का है, मेरी वाली में जो है वो 411 cc का है, लेकिन इसमें लिक्विड कूल्ड है एंड मेरा जो है वो एयर कूल्ड है। एंड मैंने एक और चीज़ मिस कर दी, वो है इसके देखो इंडिकेटर्स। ये देखो भाई तो इसमें ना आपको टेल लाइट नहीं मिलती, जो मतलब रेड कलर की लाइट जलती है ना वो आपके इंडिकेटर्स में इंटीग्रेटेड है। भाई ब्रेक मारी जरा, तो मैं अभी आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ, आगे अलग मार दे। ये देखो भाई इसमें जो टेल लाइट है ना वो इसी में इंटीग्रेटेड है इंडिकेटर्स में। बाकी पुरानी वाली में तो देखो अलग है, यहाँ पे LED मिलती है और यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिलते हैं। तो ये थे कुछ ओवरऑल डिफरेंस। अब वैसे तो देखो मुझे ज़्यादा बाइक का नॉलेज नहीं है, बट हाँ जितना मोटा मोटा जो पता था मैंने आप लोग को वो बताया। बाकी आप ना थोड़ा चला के देखेंगे, मुझे इसका एक्सपीरियंस ओवरऑल जो है वो बैठ के देखना है कि कैसी लगती है, एंड चलाते हुए देखना है वो कैसा फील होता है, क्योंकि पावर ज़्यादा है ना, तो वो चला के देखेंगे कि कैसा फील होता है एंड वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो हेलमेट पहन लिया है एंड चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं इसका मोटो व्लॉग कि कैसा लगता है। एंड आई एम वेरी श्योर अभी जो है स्क्रीन फ्लिकर कर रही होगी, यही इस बाइक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मोटो व्लॉगर्स के लिए स्पेशली, कि ये जो स्क्रीन है ना बहुत ज़्यादा फ्लिकर करती है। एंड ये POV अभी आप लोग को दिखाई दे रहा है नई वाली हिमालयन का, मेरे को तो भाई सबसे बड़ी कमी ये लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा खाली है यार, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली स्पेस सा दिखाई दे रहा है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। और ये डाला हमने पहला गियर, ओहो हो हो भाई साहब, भाई बहुत यूज लग रही है भाई। तो चलिए अब इसको चलाते हैं थोड़ी देर एंड फील लेते हैं इसका कैसी है बाइक। ओ भाई पावर तो है, भाई पावर तो है। अभी यहाँ पे तो देखो हम स्ट्रेच मार नहीं पाएंगे, अभी थोड़ा सड़क सीधी आएगी तो मारेंगे स्ट्रेच। बाकी ब्रेकिंग भी मुझे इसकी सही लग रही है काफ़ी हद तक, मतलब मेरी पुरानी वाली हिमालयन से तो बहुत सही ब्रेकिंग है भाई इसकी। ओ,
एंड सैडलिंग करके देखो अगर, ओ सैडलिंग करने में मजा आ रहा है भाई। ये देखो भाई अभी मैं इसके साथ सैडलिंग कर रहा हूँ भाई, फील हो रही है भाई पावर डिफरेंस ना फील हो रहा है, मतलब एक्सीलेटर छोड़ते साथ ही ना बाइक जो है भागने की कोशिश कर रही है सीधा आगे। ये देखो एंकर, अरे इसका हॉर्न बड़ा बेकार है, पर पुराने वाली हिमालयन का बहुत मोटा हॉर्न है, इसका बहुत पतला सा लग रहा है। ओ भाई साहब भाई मजा तो आ रहा है भाई, बट मैं बहुत गलत जगह पे चला रहा हूँ, इसके लिए एकदम खुली सड़क चाहिए भाई इसकी पावर को टेस्ट करने के लिए। लेकिन हाँ मैं इसकी ब्रेकिंग से बहुत इंप्रेस हूँ भाई, ब्रेकिंग बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, मेरे वाली हिमालयन के ब्रेक बहुत बेकार है, बहुत बेकार इसके, बहुत मतलब ब्रेक बाइट जो है ना वो फील हो रहा है काफी बढ़िया है। ओ बढ़िया यार, मतलब मुझे ना ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं आपको, काफ़ी स्मूथ लग रही है बाइक काफ़ी ज़्यादा। खैर अभी नई भी है तो नई नहीं तो खैर बाइक होती है स्मूथ है मुझे लगता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तब पता चलती है असली बात। लेकिन हाँ अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है बाइक, मज़ा आ रहा है चलाने में सोचता हूँ तो एकदम। दोनों बाइक मतलब पुरानी वाली हिमालयन और ये वाली हिमालयन में डिफरेंसेज हैं और राइड क्वालिटी में भी डिफरेंसेज हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना दोनों बनी शायद अलग अलग मोटिव्स हैं, ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनी है और वो मेरे ख्याल से लोगों को फील देने के लिए बनी है कि हाँ आप एक बढ़िया बाइक चला रहे हो। ऐसा पावर तो है भाई मजा आ रहा, और अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कैसी बाइक लग रही है दोनों की दोनों साथ में चलती हुई, तो आप लोग बताना मुझे कौन सी बढ़िया लग रही है। लो भाई मजा आया भाई, अरे भाई इसका स्टैंड बहुत टेढ़ा यार, डर लग रहा है एंकर की बाइक में चले जाए नीचे। तो भाई बाइक मैंने चला ली है तो मुझे तो भाई काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया पावर में, एंड फील में तो खैर सेम ही है दोनों एडवेंचर बाइक है, लेकिन हाँ पावर में उसमें मतलब जैसी क्लच छोड़ा भाई बढ़िया भाग रही है। एंड फिलहाल चलो अपनी वापस से अपनी बाइक चलाते हैं। ओह भाई वापस से इसमें आगे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा ना, ये देखो मेरी बाइक ना ग्रेजुअली स्पीड पकड़ती है, ग्रेजुअली समझ रहे हो, मतलब एकदम पीछे धक्का नहीं मारती है इनिशियली, क्योंकि इसका इनिशियल टॉर्क अच्छा है तो हाँ एकदम से धक्का मारती है, स्पीड जो है वो ग्रेजुअली पकड़ती है, लेकिन उसमें ना एकदम छोड़ा ना भाई पीछे जा रहा हूँ मैं एकदम, समझ रहे हो, तो उसमें ये पावर का डिफरेंस है और ये पैसों का भी डिफरेंस है ऑब्वियसली। तो क्या कहते हो गाइज ले ली जाए क्या, बढ़िया लग रही है यार मेरे पे तो बताना मुझे कॉमेंट करके। इसको तो मैं खैर नहीं बेचने वाला किसी भी कीमत में, ये मेरे पास रहेगी थ्रू आउट माई लाइफ ऐसा मैंने सोचा है फिलहाल, तो बाकी देखते हैं फ्यूचर क्या होल्ड करता है। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए तो मैंने सोचा भाई कि इस बाइक को मैं हमेशा परमानेंटली अपने पास रखूंगा, और अगर पैसे आएंगे तो खरीद लेंगे अपन दूसरी बाइक भी जो नई वाली हिमालयन है। बाकी आप लोग बताना यार कौन सी बाइक आप लोग को अच्छी लगी। तो ये था अपना हिमालयन का एक्सपीरियंस नई वाली हिमालयन का। तो भाई हम उतर आए हैं पहाड़ से नीचे मेन सड़क में, एंड मेरे पास ना एक आइडिया है और मुझे ना पावर चेक करनी है दोनों बाइक्स की ना, तो एक छोटी सी ड्रैग रेस करेंगे, नॉट प्रॉपर ड्रैग रेस मतलब लंबा नहीं स्ट्रेच करेंगे, बस एक मुझे इनिशियल पुल चेक करना है कि उसका कितना बेटर है। सुन रोकना मत स्पीड हल्की मत करना, 100 तक, हाँ 100 तक तेज भगानी है पूरी फुल एकदम, मुझे कावल को जाने दे। चलो भाई एक और बार ट्राई करते हैं, चल 1 2 3 गो आजा। अरे भैं कैसे गया हो गया, अरे भाई साहब ये तोड़ गया भाई, अरे भाई ये डिफरेंस है भाई, अभी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना पावर में क्या डिफरेंस है। और बाकी अब भी चलाएंगे भाई, इतना ही करना था, रुक जा चल दोबारा करते हैं दोबारा, 1 2 3 भयंकर की उड़ गया। ओ भाई भाई वो तो गायब हो गया भाई, अरे बस भाई जाते नहीं, वो तो गायब हो गया, अरे भाई साहब। तो भाई इससे अंदाजा आप लोगों को लगी होगा कि कितना डिफरेंस है पावर में, देखा आपने क्या उड़ गया हो, गायब हो गया लिटरली। तो भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेना था, बस 80 तक ही भगाई मैंने, अब मैं हल्का हो गया हूँ। तो यही छोटी सी ड्रैग रेस देखी थी मुझे, है मुझे फील करना था कि उसकी पावर में और इसकी पावर में कितना डिफरेंस है, और भाई कसम से बैंक का डिफरेंस है भाई साहब, उड़नछी हो गई भाई वो बगल से एकदम बिल्कुल ही भाई ये तो गायब हो गई भयंकर है,
इसको कहते हैं पावर डिफरेंस। तेरी बाइक तो बिल्कुल गायब हो गई थी तो। हाँ भाई वही ना, बिल्कुल एकदम तुरंत भाई, क्या पिकअप पकड़ा भाई, यही फील करना था मुझे तो। यही डिफरेंस है 60,000 रुपये, 60,000 रुपये तो बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन वहाँ पावर में डिफरेंस है। चलो ठीक है फिर, बढ़िया लगा आप लोगों से मिलकर। तो ये थे हमारे संजय भाई और ये थे हमारे, तुम दोनों के हाथ मिला रहे भाई, ये थे हमारे सतीश भाई। तो ये था भाई अपना हिमालयन का छोटा सा कंपैरिजन, छोटा सा रिव्यू, बाकी छोटी गेड़ी भी हो गई और कंपैरिजन भी हो गया। चलो फिर अब निकलते हैं घर अपने अपने। तो भाई कैसी लगी आप लोग को वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं घर, एंड अगली वीडियो में ना मैं क्या सोच रहा हूँ ऋषिकेश चलते हैं, ऋषिकेश की एक गुफा एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।